मैं रोशन तिवारी अपने YouTube चैनल लेट्स ईजी टू लर्न पे आप सबों का स्वागत करता हूँ। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल लेट्स ईजी टू लर्न को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन दबाकर आप हमारे YouTube चैनल लेट्स ईजी टू लर्न को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान का अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितना हो सके इसका लाभ उठाने की कोशिश कीजिएगा। इसका नोट्स भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा क्योंकि लगभग प्रश्नोत्तर इसी के अंदर से रहने वाला है, एक भी प्रश्न इससे बाहर जाने वाला नहीं है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं, यानी हमारे आसपास में जो भी पदार्थ हैं वो तीन रूप में हैं, तत्व मिश्रण एवं यौगिक। तत्व क्या है? ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं, जैसे सोडियम, सोना, मैग्नीशियम। अभी तक 118 तत्व ज्ञात है, यानी कि कुल 118 तत्वों की जानकारी अभी तक है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है? ये जो अभ्यास है तत्वों का वर्गीकरण, इसमें सबसे पहला है वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है। तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, यानी कि तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए और उसके अध्ययन को आसान सरल बनाने के लिए या अध्ययन में सुविधा के लिए इसे वर्गीकरण करना आवश्यक है। डोबेनराइन का क्या ट्रिक है वो देखिएगा। जब तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाए तो तीन तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं जिन्हें त्रिक कहा जाता है। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार दो अन्य तत्वों के परमाणु भार के मध्य होता है। ठीक है, देखिएगा, उदाहरण के लिए कैल्शियम हो गया, परमाणु भार दिया गया है, कैल्शियम का सी है, परमाणु भार है 0.40.1, स्ट्रासियम का हो जाएगा 87.6 और बेरियम का हो जाएगा 137.3। सीमाएं, उस सीमाएं तक ज्ञात तत्वों में केवल तीन त्रिक ही ज्ञात कर सके थे, यानी कि उस समय जो है ज्ञात तत्वों में केवल तीन त्रिक ही ज्ञात किया गया था जिसे डोबेनराइन ट्रिक कहा गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के समान है, यानी कि प्रत्येक आठवां गुण जो है उसका तत्व का गुण जो है आठवें तत्व के गुण के समान है। इसको अष्टक सिद्धांत कहा गया न्यूलैंड्स का। ठीक है, इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई तथा इसीलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा गया। उदाहरण के लिए लिथियम एवं सोडियम धातु के गुण समान हैं। सीमाएं, यह नियम केवल कैल्शियम धातु यानी हल्के तत्वों तक लागू होता है, नए तत्वों के गुण इस सारणी में मेल नहीं खाते हैं। सारणी में तत्वों के समंजित करने के लिए न केवल दो तत्वों को एक साथ रख दिया बल्कि असमान तत्वों जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी एक स्थान पर रख दिया। इस तरह से आप देख सकते हैं सा रे ग म प द नी और शब्दों को इस तरह से तत्वों को रखा गया है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरेनियम, बोरोन, कार्बन, नियोन, ऑक्सीजन, इस तरह से। ठीक है, चलिए तो ये है उसका सारणी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको।
मेंडलीव की आवर्त सारणी, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन हैं। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुण धर्मों पर आधारित है। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहते हैं तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। ठीक है, इसलिए आवर्त सारणी इसको कहा गया है। 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहते हैं और 7 क्षैतिज पंक्तियां जिसे आवर्त कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां क्या क्या है? अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए हैं। मेंडलीव ने जो है जिस तत्वों की जानकारी नहीं है उसके लिए स्थान छोड़ दिए हैं, जैसे कि एस्केडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम। समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक साथ एक स्थान पर मिल गया है, यानी समान गुण वाले जो भी तत्व हैं उसको एक साथ और एक ही स्थान पर रखा गया है। पिछली व्यवस्था को छेरे बिना ही अक्रिय गैसों का पता लगने पर इन्हें अलग समूह में रखा जा सकता था, यानी पिछली जो व्यवस्था थी उसके साथ इन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया और इन्हें अक्रिय गैस में अलग समूह में रख दिया। सीमाएं इसकी है, समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है इसमें, कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम है, कुछ तत्व जो है इसके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार जो क्रम में रखा गया है वो क्या है, गलत है। आगे यहाँ पर उसी को दर्शाया गया है, उसी के आवर्त सारणी को, उसका परमाणु द्रव्यमान दर्शा गया। मेंडलीव का आवर्त सारणी देख रहे हैं आप, उसका परमाणु द्रव्यमान दिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप लोग मेंडलीव के आवर्त सारणी को नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको कोशिश कीजिएगा अधिक से अधिक याद करने का। ठीक है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में एक आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी है। तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है, यानी कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर पहला बनाया गया था, उसके बाद उसके परमाणु संख्या के आधार पर इसको आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। यानी कि आधुनिक जो ये आवर्त सारणी बनाया गया उसमें उसके जो परमाणु संख्या है उसके आधार पर बनाया गया, तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, जबकि इससे पहले जो बनाया गया था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, आगे देखिएगा। मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष आधुनिक, ठीक है, मेंडलीव के आवर्त सारणी के क्या दोष हैं? आवर्त सारणी द्वारा दूर हो गए हैं, समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट की गई है, यानी कि समान परमाणु संख्या वाले तत्व एक स्थान पर समान समूह में रखा गया है। कोबाल्ट जिसकी परमाणु संख्या 27 है वह निकेल से पहले आ गया है, यानी कि परमाणु संख्या 27 इसका, लेकिन वो निकेल से पहले है, जबकि इसकी परमाणु संख्या क्या है, 28 आएगा। परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है, अतः हाइड्रोजन व हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं आएगा। परमाणु संख्या को जेड से निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या, अब यहाँ पर आगे देखिएगा, परमाणु संख्या के बारे में दिया गया है। परमाणु संख्या को जेड से निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी कि अणु के केंद्र में जो प्रोटॉन पाया जाता है उसके बराबर होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। यदि आपसे पूछ दे मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी में कितने स्तंभ हैं तो 18 स्तंभ हैं और 7 क्षैतिज है। ठीक है, उसके बाद किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान है, यानी कोष जो भी है वो क्या है, समान है। जैसे लिथियम का 2-1, बेरियम का 2-2, फिर बोरोन का 2-3, कार्बन का 2-4 और नाइट्रोजन का 2-5 है। इन सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है। एक समूह के
सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, जैसे हाइड्रोजन का एक, लिथियम का दो एक, और नाइट्रोजन का, इस तरह से दर्शाया है। सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान, एक संख्या एक समान है। समूह में नीचे की ओर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, यानी जिस तरह से नीचे की ओर जाइएगा वह संख्या बढ़ती जाएगी। किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोषों में भरे जाते हैं। विभिन्न कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर आवर्त में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 × n² द्वारा निरूपित की जा सकती है, जहां n दिए गए कोषों की संख्या को दर्शाता है। जैसे कोष, कैल्शियम का कोष जो है वो n1 है, इसको 2 × 1⁄2, यानी कि दो तत्व प्रथम प्रथम आवर्त में दो तत्व हैं, यानी दो तत्व प्रथम आवर्त में दो तत्व हैं, ठीक है। उसके बाद आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उसकी रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा उसकी रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है। याद रखिएगा, आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उसकी रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा तत्व द्वारा निर्मित आवर्त का प्रारूप संख्या पर निर्भर निर्धारित होती है। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति क्या है? तो संयोजकता, परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। बाहरी कोष में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वही संयोजकता कहलाएगी। समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर संयोजकता समान रहती है, परंतु आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर 1 से 4 तक बढ़ती है। उसके बाद घटकर 0 हो जाती है। परमाणु का साइज, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक परमाणु के केंद्र में बाह्यतम कोष की दूरी ही परमाणु की साइज है। याद रखिएगा, कोई आपसे पूछ दे परमाणु की साइज क्या है, परमाणु की साइज परमाणु की त्रिज्या, यानी कि केंद्र से उसके कोष की दूरी को जो होगी वही परमाणु साइज है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की साइज या त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश में क्रमिक वृद्धि होती है। आवर्त छड़ की त्रिज्या, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि नए कोषों की संख्या बढ़ती है, जिससे कि नाभिकीय और बाह्यतम कोष की दूरी बढ़ती है। इस तरह से यहाँ पर दर्शाया गया है। धात्विक गुण, धात्विक गुण के आधार पर किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, धात्विक गुण जो है किसी तत्व के द्वारा, यानी किसी धात्विक गुणधर्म का अर्थ है, धात्विक गुण क्या है तो उसमें परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को धात्विक गुण कहेंगे। धातु आवर्त सारणी में बाएं तरफ है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है? घट जाती है। धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं, अतः धातु वैद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश घटता है और बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाती है। इसी प्रकार आगे देखिएगा, धात्विक गुण, अधात्विक गुणधर्म क्या है? अधातुवे वैद्युत ऋणात्मक होती है, वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। धात्विक गुणधर्म में इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, और जबकि अधात्विक में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ग्रहण हो जाएगा। अधात्विक आवर्त सारणी में दाई ओर पाई जाती है, जबकि वो क्या होता है? बाई ओर पाई जाती है। आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता प्रवृत्ति बढ़ जाती है। समूह में ऊपर से नीचे नीचे पर अधात्विक गुण कम हो जाता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम हो जाती है। आवर्त सारणी के मध्य में उपधातु या अर्ध धातुएं पाई जाती है। ये गुणधर्म धातुओं में के तथा कुछ गुण अधातुओं को दर्शाते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। यहाँ पर गुण दिया हुआ है, आवर्त में परिवर्तन कारण इस सब को देख लीजिएगा। परमाणु का साइज क्रम 1 में गुण, परमाणु का साइज
आवर्त में परिवर्तन कम, ठीक है, इस तरह से धातु ये इसका परमाणु साइज पर दिया हुआ है, कम होता है ये, ठीक है, धात्विक गुण के और अधात्विक गुण के बारे में दर्शाया है। तो आज का हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त तो होता है। एक बार मैं आप सबों से पुनः आग्रह करूंगा कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन होगा कि आप हमारे YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके इसका लाभ उठाएं। महत्वपूर्ण तथ्य का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगला वीडियो जो है वो पहले हम अभ्यास के बीच के प्रश्न उत्तर का बना के अपलोड कर देंगे। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो सभी वीडियो को देखें और जितना हो सके इसका लाभ उठाने का कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।